उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं की बात करें तो जिस तरीके से उन्नाव पीड़िता के साथ हुआ है, काफ़ी लोगों में उसको लेकर आक्रोश है। हम यहाँ भी हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर वो क्या सोचती हैं आज की कानून व्यवस्था के बारे में, जो जिस तरीके से ये कांड हुआ पूरे देश को दहला दिया है। इससे पहले हैदराबाद में हुआ था, उसने भी देश को पूरे हिला दिया था। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए कि जैसे हैदराबाद में भी एक दिन पहले कांड हुआ था और अभी कल की बात है कि उन्नाव में एक कांड हुआ जिसमें महिला के साथ रेप किया, उसको जला दिया गया। आप क्या सोचती हैं, क्या कानून व्यवस्था कैसी है? इसके लिए तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि दोषी को किया तो जाता है लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कड़ी करनी चाहिए। आपको लगता है कि जितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही थी महिला इस सरकार में कि बहुत सुरक्षित हो जाएंगी, क्या लग रहा है कि वो सुरक्षा मिल पाई है? पहले से थोड़ा तो बेटर ही है लेकिन इतनी नहीं है। मैम, आपका क्या नाम है? राखी। राखी, ये बताइए कि जिस तरीके से हैदराबाद में कांड हुआ और आपने भी देखा पूरा देश हिल गया उसमें, और कल एक उन्नाव में भी हुआ, कैसे देखती है पूरी घटना? न्यूज़ से ही देखते हैं लेकिन पता चलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है जो भी है। मतलब सरकार अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है, प्लस लोगों को भी सपोर्ट थोड़ा करना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे उनकी भी बहनें हैं, तो उस तरह से उनको भी करना चाहिए, किसी के साथ क्यों करना। और जो ऐसा करता है ना, उनको भी सड़क पे खड़ा होके सीधा ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। मैम, जिस तरीके से सरकार के दावे थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा दे रहे हैं, उनको काफ़ी आगे ले जाएंगे, आपको लगता है कि वो सुरक्षा मिल पाए हैं आपको? उतना नहीं है, 50-50 है, उतना नहीं है, जितना होना चाहिए अभी उतना नहीं है। जो कल की जो घटना हुई जिसमें एक महिला को जिंदा जला दिया गया, आज वो एडमिट है और मौत से, ज़िंदगी मौत से लड़ रही है पीड़िता, आपको लग रहा है ऐसी स्थिति में क्या आपके मन में आता है? ऐसी स्थिति में तो इस समय लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन यही है कि दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी हो सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए इस पर, क्योंकि लड़कियों के लिए सेफ्टी जरूरी है आजकल, क्योंकि आज के दौर में ना लड़का लड़की ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर चल रहे हैं, तो उस दौर पर उनको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मैम, क्या नाम है आपका? रवीरा। रवीरा, ये बताइए कि जिस तरीके से हैदराबाद में एक कांड हुआ, उसके बाद कल एक उन्नाव में हुआ, आपको लग रहा है महिलाएं कितना आप लोग अपने आप को किस तरीके से पाते हैं इसमें? मैं तो अपने आप को सेफ बिल्कुल फील नहीं करती हूँ, फैक्ट इज़। लेकिन इसके पहले की गवर्नमेंट में भी ऐसा कुछ ऐसा था नहीं। द मेन पॉइंट इज़ कि हर लड़के को ईव टीजिंग सबसे पहले रोकनी चाहिए, कमेंटिंग आप निकल रहे हो वो रोकें। अगर लोग धरना भी यहाँ पे भी हुआ है, धरना 3 दिन पहले हुआ है, ठीक है, वही वो लड़के होते हैं अगर बगल से कोई कमेंट करके चला जाता है किसी लड़की को, तब वहाँ पे वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बाद में उन्हें एक्शन लेना है। एक मुद्दा मिल गया है तब आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन उस टाइम पे अगर आप एक्शन लेंगे तो शायद ये चीज़ें रुक जाएं। और हर इंसान, आप भी एक मेल हो, आपके घर में भी हैं, तो अगर हर इंसान इतना जागरूक हो जाए इन सारी चीज़ों को लेके, तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएंगी। मैम, अगर हैदराबाद का जिस तरीके से कांड हुआ, आपने देखा पूरा देश में गुस्सा है, और कल उन्नाव को लेकर हुआ, आपको लग रहा है स्थिति में कि कोई बदलाव नहीं हुआ है? अभी भी एक दिन पहले घटना होती है फिर बाद में हो रही है, क्या लोगों को? हर मिनट सेकंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसके लिए मुझे चाहिए कि लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो इस चीज़ के लिए, कोई नए रूल्स आने चाहिए कि इस चीज़ को ज़्यादा ब्रेवली फॉलो किया जाए, और इन सारे लोगों को जल्दी, जैसे अभी निर्भया वाले में हुआ, उनको वो कर दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि वो नाबालिग है, ठीक है, तो अगर वो रेप करने के लिए बालिग हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए नाबालिग कैसे, इसके अगेंस्ट भी एक लॉ आना चाहिए। मैम, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आप किस स्तर पे देखती हैं इसको, कितनी कानून व्यवस्था अभी है? कानून व्यवस्था तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब अगर अयोध्या वाला अभी वो आया है उसमें, उस टाइम पे यहाँ पे पूरी फोर्स ऐसी लगी हुई थी, कोई दंगा नहीं हुआ। अगर ये चीज़ें वुमेन पे भी लागू हो जाएं तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, जहाँ पे दंगे होने के चांसेस थे वहाँ बिल्कुल नहीं हुए अयोध्या केस में। यही चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से रेप क्या ईव टीजिंग भी बंद हो जाएगी यहाँ पे। मैम, क्या नाम है आपका? स्मृति। स्मृति, ये बताइए कि जिस तरीके से लोगों में हैदराबाद की घटना को लेकर और फिर उन्नाव को लेकर, क्या आप सोचती हैं? यही कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी और बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और बाकी जो है अगर इंसान को खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर इंसान खुद अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होगा, हर लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा लड़की की सेफ्टी के लिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सरकार ने दावे किए थे जब बनी थी, कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और काफ़ी उस स्तर पर ले जाएंगे कि लोगों को सुरक्षित महसूस करें, आज ऐसे ऐसी चीज़ें आज सामने आ रही हैं।
ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये लगता है कि हाँ सेफ्टी नहीं है, बट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, पर वो तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो लगता है कि नहीं, वो रिज़ल्ट हम लोगों को आउटपुट दिख नहीं रहा जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका। मैम आप लखनऊ में क्या सुरक्षित महसूस करती हैं कि आप आज अगर 12 बजे निकल सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव बहुत होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई सेफ नहीं है, चाहे हम 5 साल की लड़की हो, चाहे 35 साल की हो या 50 साल की हो, कोई सेफ नहीं है। लेडीज 12 बजे की बात नहीं है, हम दिन में ही सेफ नहीं है, दिन में ही लोग रात में 12 बजे तो हम सोच भी नहीं सकते निकलने का, हम अभी भी सेफ नहीं है। लोग कहते हैं ड्रेस आपने गलत पहना है, इसलिए लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या हम लोग का हक नहीं है पहन के निकलना? तो आप अपनी सोच अच्छी रखिए, सोच अच्छी होगी वहाँ पे दुनिया अच्छी चलेगी, यहाँ पे सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि सरकार के साथ में समाज की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुछ अपने आप भी सोचना चाहिए लोगों को? समाज की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार तो केवल रूल बना सकती है, फॉलो तो इंसान पब्लिक को ही करना है। अभी बहुत सारे रूल्स हैं, नहीं करना चाहिए इंसान को, किसी को टीज़ करना नहीं चाहिए, किसी के साथ रेप नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लोग कर रहे हैं, तो पीपल तो रिस्पॉन्सिबल है ही, अगर वो सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे लॉ को तो गवर्नमेंट कितने भी लॉ बना ले वो केवल उनके संविधान में ही सीमित रह जाएंगे। जनता को भी एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लड़के लड़की जितने युवक युविका हैं उनको पूरा सपोर्ट एक दूसरे को करना चाहिए। जैसे हम लोग खड़े हैं, चार लोग के बीच में खड़े हैं, तो उसको उस चीज़ को फॉलो अच्छे से करें, गंदी नज़र से मत देखें, तो वो चीज़ अच्छी चलेगी। साथ में कानून व्यवस्था को भी चुस्त करना चाहिए। हाँ वही चीज़ है ना, दोनों बैलेंस अगर अच्छा रखेंगे ना तो कुछ कभी एक कांड होगा ही नहीं। थैंक यू। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि लखनऊ में महिलाओं का मानना है कि अगर सामाजिक तौर से लोग अपनी जिम्मेदारी बना लें, सरकार अपनी खुद एक जिम्मेदारी बना ले, तो कहीं ना कहीं इन केसेस में कमी आएगी। हालांकि जो केस हुए हैं उनसे काफ़ी उबाल है उनके अंदर, और समय रहते ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से महिलाएँ चाहती हैं कि उनको भी सुरक्षित माहौल लखनऊ सहित और जगह मिल पाए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।